चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे प्रदेश की जनता से बेहद प्यार और आशीर्वाद मिला है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता और कभी दूर होने का एहसास नहीं होने दूंगा। भले ही दिल्ली में रहकर काम करना पड़े, लेकिन दिल से तो हमेशा राजस्थान में ही रहूंगा और हम सब मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी, हमारे साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव जिन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है मौजूद हैं। गहलोत साहब, जी मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। आपने मुलाकात करने से पहले कल राहुल गांधी जी से मुलाकात भी की थी, आज जो पद आपने ग्रहण किया है उसके पहले क्या कुछ बात हुई, आगे की क्या तैयारियों के लिए कल चर्चा की? तैयारियां जो हालात देश में बन चुके हैं, जिस प्रकार से वर्तमान हालात में जो माहौल है, भय का, घृणा का, नफरत का, हिंसा का, तो पूरे देश में बहुत आक्रोश है। ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है। राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में प्यार से, मोहब्बत से, विश्वास से, भय मुक्त, अहिंसा के रास्ते पर चल के राजनीति हो। बीजेपी के गढ़ यानी कि गुजरात में आपने उनको टक्कर दी और उसके बाद अब आप संगठन महासचिव हैं और 2019 आगे है, बीजेपी कहीं ना कहीं अब ये सोच में है कि अब क्या, क्योंकि आपने टक्कर दिए बीजेपी को हर जगह, तो अब 2019 में भी टक्कर देने की जो प्लानिंग है उसके लिए क्या कहना चाहिए? पूरे देश में माहौल ही जो बना है, कोई वर्ग खुश नहीं है सरकार से, किसान दुखी आत्महत्याएं कर रहा है, नौजवान दुखी, नौकरी नहीं मिल रही है, छात्रों की स्थिति आप देख रहे हो, 26 लाख छात्रों की क्या स्थिति बनी है देश के अंदर। कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं आगामी उसमें 18 में चुनाव? बिल्कुल निश्चित तौर से बनेगी, क्योंकि वसुंधरा जी की गवर्नमेंट ने जो अहम घमंड में चली है, 163 सीटें मिली उनको, भारी बहुमत मिला। आज जनता कहती है हमारा कसूर क्या है कि जो आपने ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया। हर वर्ग दुखी है वहां पर, किसान भी, मजदूर भी, महंगाई की मार सब पे है, सुशासन नहीं कुशासन है, कानून व्यवस्था कैसी ठप हो चुकी है, बच्चियों तक के रेप हो रहे हैं, सरकार रोक नहीं पा रही है, तो चारों ओर से वो सरकार भी पूरी तरह से गिर चुकी है, बहुत हालात खराब है। निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस बनेगी और तमाम नेता राजस्थान के, ये मीडिया वाले कुछ इधर उधर करते रहते हैं आपकी जमात के लोग, पर सब मिलके ही अभी 3 उपचुनाव हुए थे, सारे नेता एक मंच पे गए नामांकन के वक्त में, तीनों जगह पर कैंपेन हमने शानदार किया सबने मिलकर, उनके नतीजे सबके सामने है कि हम भारी बहुमत से जीत के आए वहां पर। आखिरकार एक मुख्यमंत्री होता है, किसके नेतृत्व में सरकार बनाएगी कांग्रेस अगर जीतती है? देखिए, ये बात तो हर वक्त आती है सामने, जो सबको मालूम है कि कांग्रेस हाईकमांड कह चुकी है कि पूरे देश के अंदर जहां चुनाव होते हैं वहां सब लोग मिलकर इलेक्शन कैंपेन करते हैं और चुनाव के बाद हाईकमांड फैसला करता है वहां की क्या भावना प्रदेश की, क्या भावना एमएलएज की, क्या लोग सोचते हैं, फैसला बाद में होता है। अफवाह स्वरूप कभी कभी फैसले हुए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं, पर मैं समझता हूँ ये काम हमें चर्चा में लाने जरूरत नहीं है, ये काम हाईकमान का है। तो ये थे अशोक गहलोत, जिन्होंने आज संगठन महामंत्री का चार्ज संभाला है, लेकिन राजस्थान के जो तमाम उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, उनको एक साफ संदेश दिया है कि मैं था सो दूर नहीं, मैं था के दिल में हूं। कैमरा पर्सन महबूब के साथ अदिति नागर, जी मीडिया, दिल्ली।